हेलो साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हूँ अच्छे हो गए। तो आज के वीडियो में देखो, हम बताने वाले हैं कि ये हमारे भैया थे जो हमारे एक यूट्यूब के, ये हमारे एक इंस्टीट्यूट के ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने हमको मलेशिया में पहचान दिया कि हम यूट्यूब वाले हैं। ये ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है यहाँ पे कि इंडिया वाला कोई बंदा आया, उसने हमको पहचाना। उनका नाम अरविंद है और इन्होंने हमको यूट्यूब पर खोजा था, जो इजी मोटर बाइक थी इसकी हमने पार्टनरशिप कही थी इसी के थ्रू। और इनसे फीडबैक लेंगे किस तरह से इन्होंने खोजा और कितना हेल्पफुल लगा हमारा चैनल। और इनको अगर कोई और आना चाह रहा है तो उसको कैसे हेल्प करेगा यहाँ पे मलेशिया में घूमने के लिए, और कोई किसी को अगर कोई रेंट पे बाइक लेनी है तो बहुत ही इजी मिल जाती है। लोगों को लगता है बहुत ही टफ प्रोसेस है, बट ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही अच्छे से भैया ने रेंट पे बाइक ली और घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अकेले आओ, कपल के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, कैसे भी आओ। तो चलिए चलते हैं भैया। ये अरविंद भैया आए। अरे हेलो। सो तो आपको मतलब आपने कैसे खोजा हमारा चैनल, आपको कैसे हेल्पफुल लगा? इंजीनियर मलेशिया वाला, इसको पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। अच्छे अच्छे आइटम और एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट तो बता देंगे अच्छा सब कुछ। मैं ऐसे यूट्यूब में थोड़ा फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मलेशिया, तो मुझे आइडिया नहीं था, बट मेरे अंदर डेयरिंग थी कि हाँ मैं बाइक लेके मलेशिया रोड पे घूम सकता हूँ। तो आपके पास डेयरिंग है तो आप बाइक लीजिए, वरना आप बैटरी टैक्सी इज वेरी गुड। क्या बोलते हैं, बाइक रेंटल, हाँ, ई मोटर बाइक मलेशिया कहाँ पे मिल सकता है हमें? क्योंकि सिंगापुर बेटर, सिंगापुर के लिए आप मेट्रो यूज कर लो बेस्ट, मेट्रो का कार्ड लो लीजिए, मेट्रो यूज करो बेस्ट, सेम जगह मेट्रो जा सकते। मैं यहाँ पे कुछ जगह पे आप मेट्रो से जा सकते हैं, कुछ जगह नहीं जा सकते, इसलिए मैंने बाइक का रेंटल था किया। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, यू शुड टेक इट। एंड इनका चैनल वहीं से मुझे मिला, तो मैंने बाइक रेंट का किया था सिर्फ पूरे यूट्यूब पे। ये एक भैया मलेशिया वाला, इनका एक वीडियो आया पूरे यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छा लगा। फिर इनका आइटिनरी जो जो ये जाते हैं, मिलते हैं, बताते हैं, जो भी करते हैं एक्टिविटीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो होता है मेन टिप्स एंड ट्रिक्स, उस चीज में ये भी एक्सपर्ट है। मलेशिया वाले भी भूल जाते होंगे कभी कभी, ये उनसे भी एक कदम आगे। इनका आइटनरी, घूमने का टिप्स ट्रिक्स, सब कुछ अच्छा था, तो मुझे बहुत हेल्पफुल था मलेशिया वाला। सही बात है, हम हिंदी में डूब आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई इंसान जब यहाँ पे आता है तो उसे नहीं पता होता है कैसे कैसे चीजें होंगी। और फिर देखो, एक एडवेंचर टाइप में होता है कि हम किसी दूसरे देश में हम बाइक राइडिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा एडवेंचरस होता है यहाँ पे और अच्छा रहता है। यहाँ पे बारिश काफी होती है, मजा आता है। तो जो ये आपकी ट्रिप रही, ये आपकी लगभग टोटल बजट अगर हम माने की 2% के लिए, आप कितने दिनों के लिए यहाँ पे आए थे? 5 days, लगभग 5 days के लिए। तो आप 2% के साथ आए हुए हैं, तो मतलब टोटल 2% का अगर फ्लाइट और पूरा रहना खाना, कितना लगभग आपका बजट बैठ रहा है, कुछ आपके अंदर में है? मेरा एक्चुअली बहुत सस्ता पड़ा है, बिकॉज आई एम वेरी लकी, बिकॉज मैं सिंगापुर मलेशिया लंका भी जा रहा हूँ, और मैं बजट रिव्यू नहीं कर सकता हूँ, बट बहुत कम में पड़ा है। या मतलब आराम की अगर बात करें तो आप बोल दीजिए नंबर, मैं कम जा रहा हूँ, डेढ़ या 2 लाख के आसपास पूरा ट्रिप। हाँ हाँ, सिंगापुर मलेशिया आपको मजा आया, मतलब आपको सिंगापुर अभी आप जाने वाले हैं? वही सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया से लंका जी। तो आपने आपने जब सिंगापुर घूमा और मलेशिया घूमा, तो दोनों कंटिनेंट बहुत अच्छा है, या आपको कुछ ऐसा लगा? मुझे दिल्ली भी अच्छा ही लगा, हमें अच्छे लगे। हाँ, मतलब हेल्पफुल लोग, लोगों का कल्चर कैसा लगा? एवरीथिंग इज गुड, राइट इज ग्रेट। मलेशिया आओ तो संडे लगून एंड नाइट फ्राइट आफ्टर नाइट पिक्चर, इवनिंग पार्क, नाइट पार्क जैसा है वो संडे लगून में होता है, नाइट आफ्टर फ्राइट, इट्स द बेस्ट, मतलब वो एक वन ऑफ द बेस्ट है। वो इवेंट मत मिस करिए, स्कैरी हाउसेस, हॉरर हाउसेस, ये सब होता है वहाँ पे, वे मिस मत करना। और मैं प्रेफर करूँगा आप उस पे कार में चलिए, क्योंकि बाइक से बहुत दूर पड़ता है यहाँ पे, कार से जाइए उस चीज के लिए, बाकी सब सिटी के अंदर ही है, आपको इजी लगेगा। तो मतलब आपको मजा आया राइट यहाँ पे? फुल वाइफ के साथ आए हैं, काफी इंजॉय किया सिंगापुर और मलेशिया में, दोनों कंट्री में, और आप लंका भी जा रहे हैं बीच पे घूमने, राइट? ओके ठीक है। तो बाकी हमारा जो चैनल है वो आपको काफी हेल्पफुल लगा, राइट? या करेक्ट। तो इसके लिए हम बहुत बहुत हमारे यहाँ आपसे
भैया ने हमको देखा, भैया हमको बाहर देख रहे थे, तो हमें मिला कि कुछ है, मतलब हम भी हालांकि ढूंढने आ रहे थे, लेकिन चेहरे हमारा इंग्लिश में कहीं भी वो फिर मैंने इनको ऐसे पूछा, आप यूट्यूब वाले भैया हो क्या? वो बोले नहीं, हम मलेशिया वाले भैया, इंजीनियर मलेशिया वाला, मतलब वही इतना नाम मलेशिया वाला होना चाहिए क्योंकि अभी इंडिया तो नहीं है, मलेशिया के हो गए लगता है, इतना पूरा सब कुछ जानते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, आप इनसे पर्सनली भी मीट करिए, इनसे कोई बनाना हो तो आपकी अच्छी खासी मदद कर देंगे। और देखो इसमें अपनी ऑडियंस को व्यूअर को ये बोलेंगे, आपको जो कोई दिक्कत आ रही है मलेशिया में घूमने के लिए, कहाँ पे कैन चीज मिलेगी, कोई दिक्कत है तो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, कहीं आना जाना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कौन सा अच्छा कोई प्लेस है, कौन सा रेस्टोरेंट, क्या घूमना, कौन सा स्पॉट अच्छा है, कहाँ का घूमा जाए, हमारे पास इतने बैठे थे, कितना खर्चा हुआ, क्या है, सब कुछ पूरा बजट हम बताएंगे, किसी को दिक्कत आ रही कमेंट कमेंट करें। बस आपको मोटा मोटी लाइक इज अ पॉकेट फ्रेंडली ट्रैवल एजेंट समझ लो, हेल्प करने के लिए तैयार, नॉट प्रोफेशनल, इज नॉट चार्जिंग, इज अ पॉकेट फ्रेंडली ट्रैवल एजेंट, आपको ये रहेगा कर देंगे, कराना होगा काम कर देंगे। ओके अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसी ऐसी, सेव लाइक सेव सब्सक्राइब कमेंट, यस फिर जरूर दें, कैसा लगा, फिर मिलेंगे, बाय, चालू हो गया कि नहीं।